मैं जवान देता हूं, कैसे भी करके हम लोग 50 करोड़ रुपए दे देंगे, लेकिन उससे पहले मेरी एक शर्त है। हम लोग जमीन के मालिक से मिलना चाहते हैं। ठीक है, आपकी जबान पर भरोसा है मुझे अंकल जी, लेकिन मेरे क्लाइंट को मिलने से पहले आप लोगों को भी मेरी 5 शर्तों को मानना हो। मंजूर है? 5 शर्तें? कौन सी 5 शर्तें हैं खन्ना साहब? पहली शर्त, मेरे क्लाइंट जब कहेंगे जहां कहेंगे आप सबको आना पड़ेगा, और उस बारे में कोई सवाल नहीं करेगा। आप सबको मंजूर है? मंजूर है, आ जाएंगे। मेरे क्लाइंट टाइम के बहुत पक्के हैं, इसलिए वो जो टाइम डिसाइड करें वो टाइम से ना 1 मिनट जल्दी ना 1 मिनट लेट होना चाहिए। टाइम पे आएंगे। शर्त नंबर 3, मेरे क्लाइंट को मिलने का एक ही मौका मिलेगा, वो भी 28 तारीख को रात को ठीक 9 बजे। मंजूर है? मंजूर है, मंजूर है, मंजूर। 28 रात को अब्दुल तो दुकान बंद ही रखना, कोई सोडा पीने नहीं जाएगा, ठीक है? शर्त नंबर 4, ये केस पूरे गोकुलधाम सोसाइटी पे, इसलिए सोसाइटी के हर एक जेंट्स, लेडीज और बच्चों को वो मीटिंग में आना हो। अरे पर लेडीज और बच्चों का क्या काम है खन्ना साहब? मैंने कहा ना कोई सवाल नहीं। शर्त मंजूर है कि नहीं? हाँ मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है। 5वीं और आखिरी शर्त, मेरे क्लाइंट के सामने आप लोग ऐसे कपड़ों में नहीं आ सकते। तो कैसे कपड़े पहन के आना? डिजाइनर कपड़े। हमारे ड्रेस डिजाइनर जीतू भाई आप सबका मेजरमेंट लेंगे, और वो जो भी कपड़े सिलाकर आपको पहुंचाएंगे, आप सभी को वही कपड़े पहनकर मीटिंग में आना होगा। मंजूर है? हाँ मंजूर है भाई, मंजूर है। खर्चा करना पड़ेगा भी क्या? हाँ हाँ, वेरी गुड। तो रविवार 28 तारीख को ठीक रात 9 बजे मैं आप सबकी मीटिंग फिक्स करा दूँ। शाम 6 बजे हमारी बस गोकुलधाम सोसाइटी में आप सबको पिकअप करने पहुंच जाएगी। आप सब तैयार हैं? एक मिनट खन्ना साहब, वो क्या है कि आप जो कपड़े देंगे पहनने के लिए जरा ढंग के तो होंगे ना? नहीं क्या लेडीज लोग भी आने वाले हैं ना साथ में, इसलिए पूछ रहा हूँ। ये क्या बेहुदा सवाल है? आप मेरे क्लाइंट पर शक कर रहे हैं? मेरे क्लाइंट एक शरीफ, संस्कारी और धार्मिक इंसान है, और अगर ऐसी बात है तो मैं मीटिंग ही कैंसिल कर देता हूँ। नहीं, क्या दया सिर्फ साड़ी पहनती है ना, तो इन्होंने कुछ कट बट दे दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए ठीक है, मंजूर है, मंजूर, हम विश्वास रखते हैं। अच्छा ही संस्कारी है तो बराबर है। ठीक है, ठीक है खन्ना साहब, आपने जैसा कहा है उन शर्तों के अनुसार हम 28 तारीख की रात को 9 बजे आ जाएंगे सारे लोग। ठीक है, तो अब आप लोग जा सकते हैं। जेठालाल, सब लेडीज तो तुम्हारे घर पे, अंजलि ने फोन किया था। अच्छा हाँ, तो चलो बापू जी को जान दो। अभी छोड़, बापू जी को जाने दो। ये लोग वकील भाई के पास अभी तक आए क्यों नहीं? कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हुई होगी ना? अरे नहीं नहीं कोमल भाभी, शुभ शुभ बोलिए कोमल भाभी। आई 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 आई, बैठे बाबू जी, बैठे इधर। आई टप्पू के पापा, क्या हुआ? अरे दया भाभी, चाचा जी ने जोरदार बाउंड्री लगाकर दबू को चौंका दिया, और चाचा जी ने तो उस खन्ना के छक्के छुड़ा दिए। अरे पर हुआ क्या? बाउंड्री मारी, चौके छक्के मारे। ये आप लोग क्रिकेट खेलने गए थे कि वो
गन्ना वाले खन्ना को मिलने गए थे। आपके समझ नहीं पा रही हूँ। मैं समझाता हूँ। वो दरअसल क्या हुआ कि हम लोग सब वो खन्ना साहब को मिलने गए। क्या बात है चाचा जी। हाँ वो खन्ना हमें मैक एसोसिएट्स के मालिक से मिलवाने तो राजी हुआ। हाँ बाबूजी आपने तो गजब की हिम्मत दिखाई। सच में दया भाभी। अरे चाचा जी तो ऐसे नड़ गए थे उस खन्ना से, मैं समझ गया था कि कुछ जबरदस्त तो होने वाला है। अरे उस वक्त डर के मारे मैं तो मन में ही कैंसल कैंसल बोलने लगा था। सही बात है, बहुत टेंशन हो गया था। वैसे बापू जी आपको अचानक ऐसा कदम उठाने का कैसे सूझा? क्या अगर मैं 50 करोड़ देने की बात नहीं करता तो वो खन्ना का बच्चा हमें जमीन के मालिक से कभी नहीं मिलवाता और हमें धमकियां ही देते रहता। करेक्ट चाचा जी, एकदम सही बोल रहे हैं। और जमीन का मालिक असल में क्या सोच रहा हमें पता ही नहीं चलता। हो सकता है ये कोई खन्ना की चाल हो। अब 28 जुलाई को 9 बजे हम जमीन के मालिक से मिलेंगे और हमारी गोकुलधाम सोसाइटी की सारी बातें उनके सामने रखेंगे। लेकिन चाचा जी एक छोटा सा डर मन में ये है कि मान लीजिए मैक एसोसिएट्स के मालिक ने भी हमसे मिलकर यही कहा कि 50 करोड़ रुपए दो तो रहो तो। और 50 करोड़ रुपए जमा करना सोसाइटी के लिए तो नामुमकिन है। कठिन है। मेरी बात सुनो, अगर जमीन का मालिक नहीं माना तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मालिकों का मालिक सबका मालिक एक है जो ऊपर बैठा है, वो सब देख रहा है, वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। बापू जी चाचा जी एकदम करेक्ट बोल रहे हैं। और बिल्कुल जी, और मुझे वाहेगुरु जी पर पूरा भरोसा है कि वो सब कुशल मंगल कर देंगे। सोड़ी वो वाहेगुरु जी से जरा मेरे लिए भी प्रार्थना कर देना ना कि सोसाइटी के कुशल मंगल के साथ साथ मेरा भी शुभ मंगल सावधान हो जाए। ये उतावला नवरा स्वतःला आवरा क्या आदमी है भाई। अरे पोपट लाल, यहाँ हम सब पे सोसाइटी की इतनी बड़ी मुसीबत आन पड़ी है, उसमें भी तुमको शादी करने का सोच रहा है ये? और नहीं तो क्या। अरे घर ही नहीं होगा तो शादी करके बीवी को क्या डिब्बे में रखेगा? डिब्बे सही बात है, इसीलिए पहले घर बचाओ फिर घर बसाओ। वाह ये तो और भी सही बात है। सॉरी सॉरी सॉरी, वो क्या है ना कि हमारी सोसाइटी की फाइल तो भगवान के पास जा ही रही है, तो मैंने सोचा कि साथ साथ में मेरी शादी की फाइल भी भगवान के पास पहुंच जाए तो एक ही धक्के में दोनों काम हो जाएंगे। पोपट भाई आपकी बात वाजिबी है। सॉरी भाई, आप जरा पोपट भाई की फाइल को लेकर जाइए ना प्लीज। और ठीक है ठीक है। किधर लेके जाए फाइल, कहाँ लेके जाए? सॉरी क्या बोल रही है तू, शांति रख जरा। अरे तू शांति रख भाई। अरे अरे इसमें बहू की क्या गलती है? अरे जिसकी गलती है वो तो आग लगा के खड़ा हुआ यहाँ पे, क्या बोल रहा है? हाँ खन्ना सर, अब भी पूछ रहे। ओके ओके, चलो गोकुलधाम सोसाइटी सबका माप लेने जाना है। Oh my God, बागा, this is very serious matter. हाँ नटू काका, इसीलिए सेठ जी दुकान से एकदम टेंशन में निकल गए थे। हाँ हाँ, कम, let us go fast. अच्छा, नमस्ते बापूजी। नमस्ते बापूजी। अरे नटू बागा, आओ। नमस्ते सेठानी जी। सेठानी जी, नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते शिव जी है? बुलाती हूँ। टप्पू के पापा नटू काका बागा भाई आए हैं। नमस्ते शिव जी। अरे नटू काका बागा, तुम दोनों दुकान छोड़ के यहाँ क्यों आ गए? शिव जी आप दुकान से एकदम टेंशन में निकले थे ना, तो हम दोनों का टेंशन बढ़ गया था कि ऐसा क्या हुआ होगा जो शिव जी इतने टेंशन में भागे। और यहाँ आकर पता चला ये तो बहुत बड़ा टेंशन है। सेठ जी, हमने नीचे सोसाइटी कंपाउंड में लगे बोर्ड पढ़े, ये सब क्या है सेठ जी? गोकुलधाम सोसाइटी अचानक इलीगल कैसे हो गई? ओ
वही तो देखो ना नटू काका, पता नहीं कहां से बखड़ जंतर खड़ा हो गया। सेठ जी, बापू जी, छोटा मुंह बड़ी बात लगे तो माफ करना, मगर हमारा घर आप ही का घर है। आप लोग सभी बेझिझक हमारे घर आ जाइएगा। हाँ सेठ जी, हमारा घर छोटा जरूर है, लेकिन आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। नंटू काका, बगा भाई, आपका घर भले छोटा है, लेकिन आपका दिल हमारे पूरे गोकुलधाम सोसाइटी से भी बहुत बड़ा है। नंटू काका, बगा, आपकी ऑफर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन 28 तारीख को वो जमीन के मालिक के साथ हमारी मीटिंग है, और मुझे पूरी उम्मीद है कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल के आएगा। जठलालगढ़ा का घर यही है? हाँ, मैं हूँ जठलालगढ़ा। हमें मिस्टर खन्ना ने भेजा है, 28 तारीख की मीटिंग के लिए कपड़ों का नाप लेने आए हैं। हाँ, अरे बगा, जरा टप्पू को बुला लेना भाई। जी। अब जा। आगे। हाँ पापा, क्या हुआ? बेटा, वो 28 तारीख को मीटिंग में जाना है ना, वो जमीन के मालिक को मिलने, तो उसने वो कपड़े का नाप लेने के लिए भेजे इनको। दे दिया नाप। हमारा माप क्यों? बागा, नाप लेने दे, हम भी सेठ जी के साथ मीटिंग में जाएंगे। ठीक है, ले लीजिए। जैसे तुमने गोगी को दिलासा दिया, वैसे खुदाई जी हमें इस मुसीबत से लड़ने की हिम्मत दे। कोमल, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, ऊपर वाला हम गोकुलधाम सोसाइटी वालों का साथ कभी नहीं छोड़ेगा, देखना सब ठीक हो जाएगा। I hope so, Hans. Hans, तुमने इतनी मेहनत से ये घर बनाया, और ऐसे कोई अचानक नोटिस भेज देगा तो डर तो लगेगा ना। कोमल, तुम अपना ब्लड प्रेशर मत बढ़ाओ, मुझे पूरा यकीन है 28 तारीख को कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। आई होप कि कोई रास्ता निकले, वो जमीन का मालिक हमारी बात सुने और हम सोसाइटी वालों के हक में कोई पॉजिटिव फैसला आए। बबीता, सवाल पॉजिटिव या नेगेटिव का नहीं, लीगल और इलीगल का है। खन्ना के पास सोसाइटी के जो डॉक्यूमेंट है ना, उस हिसाब से हमारी गोकुलधाम सोसाइटी इलीगल है। अगर सचमुच ऐसा हुआ तो हम सोसाइटी वाले 50 करोड़ रुपए कहाँ से लाएंगे? माधवी, माधवी, मेरी बात सुनो, क्या कर रही हो तुम? मुझे सब रास्ते पर नजर आ रहे हैं। अरे लेकिन तुम बैग क्यों पैक कर रही हो? हमारे सर पे अभी छत है, हम लोग बेघर नहीं हुए हैं। अहो, पर हमें 50 करोड़ की पेनल्टी भरनी पड़े तो उसमें से 5 करोड़ का हिस्सा हमारा होगा, कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? असली माना की टेंशन बहुत बड़ा है, लेकिन मेरा विश्वास रखो, हमें कुछ नहीं होगा। तारक, आपकी बातों पे पूरा विश्वास है,
लेकिन क्या करूं, खन्ना ने जो कहा है वो याद आते ही मुझे तो डर लगने लगता है। डरने से क्या होगा अंजलि, और सोचो तो हम लोग बरसों से इस गोकुलधाम सोसाइटी में रह रहे हैं, कोई भी व्यक्ति आके एक दिन में एक नोटिस देके हमें बाहर नहीं निकाल सकता। रही बात तुम्हारे डर की, तो 28 तारीख को हम जमीन के मालिक से मिल रहे हैं अंजलि, फिर करते हैं उससे बात और देखते हैं कि क्या होता है। टप्पू के पापा आप सोए नहीं? टेंशन के मारे नींद ही नहीं आ रही है दया। जरा आंख बंद करता हूं कि 28 तारीख की मीटिंग में क्या होगा उसका ही विचार आते हैं। नींद तो मुझे भी नहीं आ रही है। तिनका करके हमने अपना घर बनाया और कोई ऐसे ही आके उसके टुकड़े टुकड़े कैसे कर सकता है? दया तू चिंता मत कर, ऐसा कुछ नहीं होगा। जरूरत पड़ी तो मैं उस जमीन के मालिक के ऊपर केस कर दूंगा। हिंदुस्तान के महंगे से महंगे वकील को ऊंची से ऊंची फीस देकर रखूंगा। फिर भले ना उसके लिए मुझे अपनी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान, गोडाउन, बचाव की जमीन सब कुछ बेचना पड़े बेच दूंगा, लेकिन गोकुलधाम सोसाइटी पे उन्हीं आंच नहीं आने दूंगा। दया टप्पू के पापा, इस लड़ाई में मैं भी आपके साथ हूँ, जरूरत पड़ी तो मैं भी मेरे सारे गहने बेच दूंगी। थैंक यू दया, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी दया, थैंक यू। ओम मित्राय नमः, रवये नमः, सूर्याय नमः, भानवे नमः, खगाय नमः, पूषणे नमः, ओम हिरण्यकर्पाय नमः, मरीचाय नमः, आदित्याय नमः, सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, भास्कराय नमः, आदिदेव नमस्तुभ्यं, प्रसिद्ध मम भास्कर, दिवाकर नमस्तुभ्यं, प्रभाकर नमोस्तुते। हे सूरत दादा, आज गोकुलधाम सोसाइटी का फैसला होने वाला है, संभाल लेना। मेरी इच्छा है मैं मरते दम तक यहीं खड़े रह के आपकी पूजा करूं, मेरी इच्छा पूरी करना प्रभु। मुझे कोई गलती नहीं चाहिए। जी सर। हेलो, हाँ खन्ना सर, आपके ऑर्डर के मुताबिक गोकुलधाम सोसाइटी वालों के सारे कपड़े पहुंचा दिए गए। थैंक यू जी दुबई। अर्जुन ना? जी सर। बॉस के साथ 9 बजे की मीटिंग फाइनल है। जी सर। और गोकुलधाम सोसाइटी वालों को 6 बजे पिकअप कर लेकर आना। जी सर। कैसे लेकर आना है पता है ना? जी सर। अब गोकुलधाम सोसाइटी वालों को पता चलेगा, माई सेल्फ एडवोकेट जगजीवन खन्ना, चबा दूंगा सबको कानून का गन्ना। अरे दया कितने देर? बस तैयारी हूँ। चल चल भाई चल। टप्पू 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 तैयार होकर नीचे पहुंच गया, बापू जी हमारी राह देख रहे हैं, चल भाई जल्दी। एक मिनट टप्पू के पापा। हे माता जी, हम गोकुलधाम वालों पर अचानक ये जो 50 करोड़ की आफत आ गई है, उसके लिए हम वो जमीन के मालिक को मिलने के लिए जा रहे हैं। तो माता जी आप ऐसी कृपा करना कि वो मालिक के हृदय में राम जागे और 50 करोड़ की जो मुसीबत है उसका निवेदन आ जाए। बोलो अम्बे मातु की जय। चल 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 बाबूजी। ओ बेटालाल, टाइम पे आ गए आज। हाँ भाई, जब टाइम बुरा चल रहा हो तो टाइम पे चलना ही समझदारी है। सही बात। चलो चलो। अरे मेहता साहब आ गए। आ गए भाई, आ गए, आ गए सब लोग। हाँ सब आई। इन कपड़ों में हमें कहाँ ले जाया जा रहा है, क्या कर रहे हैं हम, कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई। सब लोगों ने कपड़े तो नए पहने हैं, लेकिन किसी के दिल में उत्साह नहीं है। उत्साह कहाँ से होगा दया, सर पे 50 करोड़ का बोझ जो है। तो बाहर से सब लोग टिप टॉप लग रहे हैं, लेकिन अंदर से टिप टिप आंसू बह रहे हैं।
एकदम सही कहा दया भाभी। सच्ची ऐसी सिचुएशन लाइफ में कभी नहीं आई। मौका है। सॉरी 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 लेट सॉरी। हमका लैंड हो गया है। वी आर रेडी। हाय मैं मर जाऊं। बबीता जी आपका ड्रेस बहुत बढ़िया है। थैंक यू सो मच जीठा जी। सबका ड्रेस बहुत बढ़िया है। मेरा भी। जॉनी ऐसा लगता है कि हम लोग सब किसी की शादी में जा रहे हैं। हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि मेरी शादी है, मैं दूल्हा हूँ और आप सब लोग मेरी बारात में आ रहे हैं। देखिए ना मुझे छाता भी कैसा दिया है, मैं दिखाता हूँ। ये देखिए मुझे 2-in-1 छाता दिया है, मेरी होने वाली पत्नी के लिए भी दे दिया। डिब्बे बंद कर, छाता बंद कर। सभी लोग तेरा घर बसाने नहीं जा रहे हैं, अपना अपना घर बचाने जा रहे हैं। सही बात है, आज हमारी सोसाइटी दांव पे लगी है भाई। अरे दांव भी छोटा मोटा नहीं, पूरे 50 करोड़ का है। देखिए देखिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि वहां पर जाने के बाद जमीन के मालिक के सामने हमें हाथ जोड़ के विनती करनी है। हाँ हाँ भाई सोड़ी, वहां जाकर हमें हाथ जोड़ना है, कुछ तोड़ना नहीं है। हाँ प्लीज सोड़ी प्लीज। हाँ हाँ जी हाँ। लेकिन इन कपड़ों में विनती करना अच्छा लगेगा। बेटा घर पे जाके नया ड्रेस बन गया। नहीं नहीं मैं यही कह रहा था बापूजी कि इन कपड़ों में विनती करना अच्छा लगेगा। और क्या मेरा नया ड्रेस तो कुर्ता पायजामा है, और कुर्ता पायजामा में तो निवेदन कर सकते हैं, तो विनती तो ये सूट में ही कर सकते हैं, उसमें ही बहुत अच्छा लगेगा। विनती एकदम उभर के आएगी, डिजाइनर विनती। हाय बोल तो है। जी बस आ गई। बस आप लोग लेकर आए? नहीं सेठ जी, हम लोग आ रहे थे तब वो लोग गेट के पास बस पार्क कर रहे थे। चलो अभी चलते हैं। वो खन्ना मालूम है ना, एक एक सेकंड का हिसाब रखता है। हाँ हाँ कहीं लेट ना हो जाए। चलो चलिए चलिए। अब एक मिनट टप्पू के पापा, एक मिनट। चला रहे सब लोग जल्दी चलो। साहब लाइन में चढ़ो, लाइन में चढ़ो जल्दी जल्दी। धक्का धक्का मारो, धक्का मारो। थैंक यू। जल्दी चलो, जल्दी चलो। सब आगे। आप लोग शांति से चुपचाप बैठ जाओ। बैठो 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 बैठो। अरे ये मुस्टंडे हमको कहाँ लेके जा रहे हैं भाई? अरे भाई भिड़े कुछ इंक्वायरी कर। कल को अगर इसने हम सब सोसाइटी वालों को कहीं ले जाकर बंद कर दिया तो? आत्माराम पूछो पूछो। अभी शादी से बैठो पोपट लाल, अभी पता चल जाएगा थोड़ी देर में। अय्यर भाई आप अपनी तमिल भाषा में पूछो ना भाई, कहाँ लेकर जा रहे हैं हमको? पूछता हूँ पूछता हूँ। अन्ना यांगला यांगा आसंडु पोरा जास्ती केल्वी कैका दे सारा बसला इरा भी तक मार्टिन। क्या
क्या क्या बोला, एड्रेस क्या बोला? नहीं, वो बोले कि ज्यादा सवाल करोगे तो बस में से उतार देगा। हाँ तो डरो मत, पूछो बिंदा सवाल पूछो। ये भगवान, ये कैसी घड़ी आई है, हम सब बस में हैं लेकिन कितने बेबस हैं। तू अचानक कहाँ से आ गया? तूने इसको फोन करके बुलाया? नहीं नहीं, मैंने वीरा को सामने से फोन नहीं किया। वीरा का सामने से फोन आया तो मैंने ये सब बात बताई, बाकी मैंने फोन नहीं किया है। तुझे अचानक बहना को फोन करने का कहाँ से सोचा भाई? बहना का मिस कॉल आया इसलिए। चला गया था तो, और मैंने तुरंत फोन लगा के बात कर ली। ठीक है तू आया, लेकिन जैसे आया वैसे ही अभी तो वापस चला जा भाई, कोई जरूरत नहीं है तेरी। हाँ क्या बात कर रहे हो माय डियर जीजा जी, अब सोसाइटी वाला 50 करोड़ रुपए लेके अकेले जा रहे हो और मैं आपकी सिक्योरिटी में ना हूँ, वो कैसे हो सकता है? अरे भाई, हम लोग कोई 50 करोड़ लेके नहीं जा रहे, हम लोग खाली जमीन के मालिक से मिलने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं। अरे जीजा जी, फिर भी आप मुझे अपने साथ लेकर चलो, अगर उसने आपकी बात नहीं मानी तो 50 करोड़ के बदले मैं अपनी जात को गिरवी रख दूंगा, लेकिन ये गोकुलधाम सोसाइटी को मैं उन्हीं आँच नहीं आने दूंगा। ये अपनी कीमत 50 करोड़ समझ रहा है? सच कहूँ तो वीरा की कीमत इससे भी ज्यादा है, लेकिन अभी 50 करोड़ की जरूरत है ना, इसलिए 50 करोड़ बताया। बाकी वीरा तो हीरा है, अमूल्य हीरा। भाई तेरी कोई जरूरत नहीं है तो निकल यहाँ से, निकल। चुप, कभी से देखता हूँ क्रिकेट क्रिकेट कर रहा है, अब चुप बैठ दो, बोला रहा बैठने का। मेरा चिंता मत करना जीजा जी, अब मैं आ गया हूँ। देखो अभी बस शुरू होने वाली है, चुप चुप बैठने का, समझा? चलो बोला गणपति बाप्पा, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और मुझे छोड़ के जा रहे हो, और गो, और मिल्खा सिंह समझ रखा है क्या? और गो, ओए ओए ओए, अरे गाड़ी रोको, बंद पीछे रह गया हूँ। भाग रोशन भाग, ओ बस रोको, रोशन भाग, रोशन भाग। अरे सोड़ी को भागने का नहीं, गाड़ी को रोकने का बोलो रोशन दादी। अरे थोबो थोबो बस थोबो, हैं? ओ बस रोको, बस रोको, भाग रोशन भाग। स्टॉप स्टॉप ड्राइवर सर, स्टॉप स्टॉप द बस। मेरी जान मंदिर में माथा टेकने गया था। बैठो बैठो, कहाँ रह गया था भाई? मैं तो मंदिर माथा टेकने गया था। अरे भाई बराबर देख लो, और तो कोई नहीं रह गया है ना? हाँ, जो बाकी रह गया वो अपनी उंगली ऊंची करे। तुझे मजाक सोच रहा है? ये मजाक करने का टाइम है? अब देखो ना बाबूजी कैसी बात कर रहा है ये। जो रह गया वो उंगली ऊंची करे। अरे जो रह गया है वो उंगली कैसे ऊंची कर सकता है? ऐसा मजाक हम लोग बाल मंदिर में करते थे, क्या बोल रहे तू? गपचुप बैठने का, अभी से देखता हूँ क्रिकेट क्रिकेट कर रहे।
हेरा मन्ना, सबका मोबाइल ले लो और सबको एक एक काली पट्टी दे दो। चुप, कोई सवाल करने का नहीं, फटाफट 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 कर। देख रहा मन्ना, किसके पास मोबाइल नहीं रहना चाहिए। अपने आंखों पर काला पट्टी बांध लो, समझा ना। अरे पट्टी क्यों बांध लो भाई, कमाल है भाई, ये लोग हमसे आंखों पे पट्टियां क्यों बांधवा रहे हैं। हाँ भाई, भिड़े है क्या, जबरदस्ती हो रही है। तू सेक्रेटरी है, कुछ पूछ भाई, आवाज उठा। मर्द मराठा हूँ, नाता काली पट्टी घूम बसता है नुस्ता, जरा विचार जरा सांगा। नहीं नहीं, मैं बोलता हूँ ना, मैं बोलता हूँ। देखिए, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी होने के नाते आपसे पूछ रहा हूँ कि ये पट्टी देने के पीछे मकसद क्या है आपका। समझाता हूँ, पहले बैठ जाओ। अच्छा, वो बता रहे बता रहे। रामन्ना, एक पट्टी ले और उसके मुंह पे बांध। बाबा का? अरे लेकिन मेरी मुंह पे पट्टी। ऐसे क्यों कर रहे हो? सब लोग गपचुप, अपने अपने आंखों पे पट्टी बांध लो। मैं तो सबके मुंह पे पट्टी बांध दूंगा। Very good. एक बात सुन लो, कोई भी अपने आंखों से पट्टी नहीं उतारेगा। अगर कोई पट्टी उतारा तो उसको पसपस उतार देगा। कोई नहीं उतारना भाई। हाँ भिड़े, बोल दे सबको भिड़े। अरे आप भिड़े के मुंह पे तो पट्टी बंदी है, किसके मुंह पे, बाकी मतलब सब बोल दो सबको। हाँ भाई, कोई पट्टी नहीं खोलेगा, कोई पट्टी नहीं खोलेगा। हाँ, कोई नहीं खोलेगा सर, कोई नहीं खोलेगा। सुनो गोकुलधाम वासियों, कौन? पत्रकार पोपटलाल बोल रहा हूँ। क्या हुआ पोपटलाल? बस में कोई बॉडीगार्ड दिखाई नहीं दे रहा है। अरे भाई, बॉडीगार्ड क्या, आंखों पे पट्टी बंधी है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं नहीं, मैं अपनी आंखों की पट्टी निकाल के बोल रहा हूँ। अगर आप लोग चाहो तो थोड़ी देर के लिए अपनी आंखों की पट्टी निकाल सकते हो। अच्छा, क्या बात है। मालिक को मिलने के जगह पर पहुंच गए, लेकिन कोई भी अपने आंखों से पट्टी उतारेगा नहीं, समझा? ऐसे कैसे बिना देखे जाएंगे? मैं चाचा जी का हाथ पकड़ेगा, आप एक दूसरे का हाथ पकड़ के चैन बना के नीचे उतरो। चलो चाचा जी, आओ। चलो चलो, आइए आइए बाबूजी, आइए आइए। अरे भाई साहब, कहाँ तक जाना है? वो भाई साहब भरपूली है। अरे यहाँ पे सीढ़ी है, जरा बोलना पीछे। आप सम्मान ले बाबू जी।
अब आप लोग अपनी आंखों पर से पट्टियां उतार सकते हैं। ये तो अटल लग रहा है। आगे जाएंगे तो गड्ढा भी निकलेगा। शांति से करो। किधर आ गए हम लोग? रोशन जो भी है जिंदा है या राम 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 सुप सुप बोलिए। जो मैक एसोसिएट्स की बात नहीं मानेगा उसका यही हाल होगा। मतलब हमारे साथ भी यही होगा? अरे तो बेचारा हाथी भाई को क्या होगा? हाथी भाई को कुछ नहीं होगा, ये सोच सीढ़ियों का क्या होगा। मैक वाले तो कोई बहुत खतरनाक लोग लगते हैं। कहते हैं आप तो लगा तो नहीं? अरे ये तो रोज का है। तो ये रोज दादा ऐसे उतरते हैं? क्या पता। लगता है इनका बॉस होगा। आंखों से पट्टी खुलते ही हम गोकुलधाम निवासी हमारे सामने रोमांस के बादशाह और मनोरंजन के शहंशाह शाहरुख खान को देख के चौंक गए। चौंक तो आप भी गए होंगे। गोकुलधाम सोसाइटी के निवासियों को 50 करोड़ रुपए का नोटिस भेजने वाले कहीं शाहरुख खान तो नहीं? गोकुलधाम सोसाइटी का असली मालिक कहीं शाहरुख खान तो नहीं है? एक एक सवाल 50 करोड़ रुपए का है। अब इस सस्पेंस से पर्दा तो सिर्फ शाहरुख खान ही उठा सकते हैं कि क्या होने वाला है। लेकिन उससे पहले आप सभी को बेहद मुबारकबाद। आज है 28 जुलाई 2013, यानी कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा की 5वीं वर्षगांठ। 5 वर्ष
सफलता के। 5 वर्ष लगातार नंबर वन रहने के और आज अजीब संयोग है 28/7/2013 का टोटल भी 5 ही होता है। 5 तत्वों से शरीर बनता है, 5 उंगलियां हो तो हाथ बनता है और 5 चीजें हैं जिनकी वजह से हम लगातार 5 वर्षों तक नंबर वन शो रह सके। वो 5 चीजें हैं आपका प्यार, आपका स्नेह, आपकी मोहब्बत, आपका विश्वास और आपका आशीर्वाद। और ये 5 चीजें अगर इसी तरह आप हमें देते रहेंगे तो हम आपको यूं ही मुस्कुराहट बांटते रहेंगे। आने वाले वर्षों में हम इसी तरह आपका मनोरंजन करते रहेंगे। लेकिन इस वक्त यहाँ बहुत बड़ा टेंशन है, लेकिन जो जो होगा वो अद्भुत होगा, अविस्मरणीय होगा, अनुपम होगा। एक ऐसा एपिसोड होगा जो कई वर्षों तक आप भूल नहीं पाएंगे। देखना मत भूलिएगा मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और हाँ, एक बार फिर से 5वीं वर्षगांठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.